हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नरगिस गुप्ता। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चंस ही, दो क्वेश्चंस उसमें डिस्कस किए थे। इन दिस वीडियो वी हैव अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज गेट 2015 में पूछा गया था। अगेन कॉन्सेप्ट सिमिलर है जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, उसी तरह से कॉन्सेप्ट है ये कि हमें यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर एक स्टेटिक इंटीजर टाइप में एरे गिवन है, एक दूसरा हमारा इंटीजर टाइप में दूसरा पॉइंटर टाइप्स का एरे गिवन है, तीसरी लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि p को ptr में असाइन किया और ptr को इंक्रीमेंट किया, दिस इज अ इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस, एंड प्रिंट कराना है हमको ptr माइनस p स्टार स्टार ptr की वैल्यू हमें चाहिए, व्हाट इज द आउटपुट। तो सेम कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट वीडियो में किया था वही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करें कि सबसे पहली चीज मेरे पास एक एरे है, आई हैव अ वन एरे, एरे का नेम है मेरा ए और उस एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50, ये कुछ एलिमेंट्स हैं मेरे पास। अब इंटीजर टाइप का एरे है तो लेट अस एज्यूम द बेस एड्रेस इज 1000, मैंने 1000 बेस एड्रेस एज्यूम कर लिया। अब यदि 1000 बेस एड्रेस है तो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कितना होगा, इंटीजर टाइप है तो 2 बाइट्स, लेट अस सपोज 2 बाइट्स, तो 1002, 1004, 1006, 1008, ये मेरा मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बना लिया उस एरे को, एरे के थ्रू। सेकंड लाइन हमारे पास में है इंट स्टार पी, पॉइंटर टाइप्स एरे है जो कि मेरा क्या कंटेन कर रहा है, ए, ए प्लस 3, ए प्लस 4, ए प्लस 1, ए प्लस 2, मतलब इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ एरे ए। सो एरे ए के एड्रेस को कंटेन कर रहा है तो मैंने एक और एरे बना लिया जिसका नेम है मेरा पी, और इस एरे में ए मतलब द बेस एड्रेस ऑफ दिस एरे, ए का बेस एड्रेस कितना है क्योंकि पॉइंटर टाइप है तो बेस एड्रेस इज 1000, तो इट कंटेन दी 1000। ए प्लस 3, सो ए प्लस 3 की जब मैं बात करूं तो कितना हो गया 1000 प्लस 3, मतलब 1000 प्लस 3 मतलब 3 स्किप करना है हमें, तो 1000 प्लस 3, यदि 3 स्किप कर दूं 1 2 3, तो 1000 प्लस 3 कितना हो गया 1006, क्योंकि इंटीजर टाइप है। 1000 ए प्लस 4, तो 1000 कितना हो गया ये 1008, और ए प्लस 1 मतलब 1 स्किप करके 1002, और ये हो गया ए प्लस 2 मतलब 1004। सो ये मेरे क्या हो गया, ये कह लो इस एरे के एड्रेस को हमने यहाँ पे पी एरे में रिजर्व कर लिया। देन उसके बाद लेट अस एज्यूम इसका कोई एड्रेस है, बेस एड्रेस इज 2000, और क्योंकि इट कंटेन द एड्रेस, ये एड्रेस को हमने स्टोर किया ना कि इंटीजर वैल्यू को, सो एड्रेस को हम ये एज्यूम करके चलें कि इट 8 बाइट्स कंटेन करेगा, हम एजम्पशन ले रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कंपाइलर टू कंपाइलर। सो 8 बाइट ले रहे हैं तो इसका यदि 2000 है तो ये 2008 हो गया, ये 2016 हो गया, ये 2000 मेरा 24 हो गया, ये 2032 हो गया। नाउ ये मेरी सेकंड लाइन हो गई। अब मैं आता हूं थर्ड लाइन पे। थर्ड लाइन पे पहले से ये कह रहा है कि p को असाइन कर दिया हमने ptr स्टार स्टार में, क्योंकि पॉइंटर टाइप है तो एक ptr हमने ब्लॉक बनाया ptr जिसमें p को असाइन कर दिया। p मतलब p, दिस इज अ p, p मतलब क्या होल्ड करके रख रहा है, ये एड्रेस को। सो एड्रेस को होल्ड करके रखा है, दैट्स वाई डबल पॉइंटर हमारे पास यहाँ पे, तो पी को होल्ड करके रखा है, स्टोर करा दिया हमने कहाँ पे, पीटीआर में, पी को पीटीआर में स्टोर करा लिया, मतलब पी की वैल्यू कितनी है भाई 2000, दिस इज द बेस एड्रेस ऑफ पी, सो 2000 को पीटीआर में स्टोर कर रहा है। लेट अस अज्यूम इसका भी कोई एड्रेस है 3000। उसके बाद में इस लाइन को जब हमने कर लिया, इसके बाद में मुझे ptr को इंक्रीमेंट करना है। ptr को इंक्रीमेंट करने का मतलब ये होता है ptr इक्वल्स टू ptr प्लस 1, प्लस 1 का मतलब ये है कि यहाँ पर स्किप वन एलिमेंट को जब मैं स्किप कर दूं इस वाले एरे में, क्योंकि इट कंटेन दी 2000, सो 2000 ptr कंटेन दी 2000, 2000 को हमें प्लस प्लस करना है तो स्किप दी वन एलिमेंट को स्किप किया तो 2008, सो इसको स्किप कर दिया तो मतलब यदि ptr को प्लस प्लस करूंगा मतलब इट इज अ 2008, क्योंकि इंक्रीमेंट बाय वन, वन से इंक्रीमेंट मतलब स्किप वन एलिमेंट। अब मुझे मेन काम जो करना है ये भी मेरा हो गया, उसके बाद में अब मुझे मेन काम करना है कि प्रिंट एफ के अंदर परसेंटेज डी
PTR माइनस P स्टार स्टार PTR, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। परसेंटेज D का मतलब यह है इंटीजर टाइप वैल्यू हमें चाहिए। सो PTR, सबसे पहली चीज हम बात करें PTR, तो PTR में मेरे पास क्या है, तो PTR में मेरे पास में क्या है 2008, पहली वैल्यू मेरे को चाहिए PTR माइनस P। सो PTR में मेरे पास क्या है 2008, PTR कंटेन्स 2008 माइनस P, P कितना है मेरा, P मतलब बेस एड्रेस ऑफ दिस एरे, P कितना है 2000, तो 2000 को मैंने यहां से माइनस कर दिया, तो कितना बचा 8। और हमने एज्यूम ये करा था कि कितने बाइट का मेरा एड्रेस है, 8 बाइट का, तो डिवाइड हमें उसी नंबर से करना है। यदि 16 होता तो 16 बाइट से डिवाइड करते, 10 होता 10 बाइट से डिवाइड करते, सो 8 से डिवाइड किया तो यहां पर मुझे वैल्यू मिल गई 1। सो ये हो गया मेरा प्रिंट एफ, मतलब परसेंटेज डी में 1 इससे प्रिंट हो गया कॉमा करके। स्टार स्टार पीटीआर, अब आप इसको समझना, स्टार स्टार पीटीआर, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। पीटीआर, पीटीआर में मेरे पास में क्या है, सबसे पहली चीज मैं तो ये देखूं कि पीटीआर में, यहां पर मैंने पीटीआर लिया 2008 माइनस पी करा 2000, क्योंकि पी इज द बेस एड्रेस, पीटीआर के अंदर 2008 था। सो अब यदि मैं इस क्वेश्चन में पीटीआर की बात करूं तो पीटीआर अभी भी स्टिल मेरा कितना है, मैं दूसरा कलर को यूज कर लेता हूं, अगेन पीटीआर मेरे पास कितना है 2008। अब इस 2008 का मतलब यह है कि यह तो हो गया इनसाइड पीटीआर, अब स्टार पीटीआर का मतलब यह है कि इनसाइड 2008 मेरे पास कौन सी वैल्यू है। स्टार PTR का मतलब यह है कि 2008 के इनसाइड कौन सी वैल्यू है, तो 2008 के इनसाइड है 1006, मतलब 1006। और एक और उस पर यदि स्टार लगा हुआ है तो इनसाइड 1006, तो इनसाइड 1006 मुझे कहां पे मिलेगा, इस एरे में। सो 1006 पे आया, इनसाइड 1000 कितना है, 6 कितना है मेरे पास 40। सो दिस इज द आंसर फॉर स्टार स्टार पीटीआर। तो यदि इसका आंसर, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज, आउटपुट हो जाए 140। दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस, कॉमा है तो हम यहां 1 में कॉमा लगा देंगे, 40 होगा, यदि कॉमा नहीं होगा तो उस केस में 140 हमारा आंसर होगा, 140। दिस इज द answer. So this is all about the GATE 2015 question based on a programming language. Next video we will discuss another question based on a programming language. Thank you so much.